आप सबको प्यार भरा नमस्कार और इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर देखा गया है कि पॉलिटिकल मंच सचता है, पॉलिटिकल बातें होती हैं, लेकिन देश की जो असल नब्ज है, जो सेहत है, उस पर चर्चा कम होती है। और हमने बहुत सोच समझ के इस मंच को तैयार किया है, क्योंकि भारत वो देश है जो उस डेथ बेड से निकल कर आया है और तंदुरुस्ती से निकल कर आया है, और उसमें अगर कोई अहम योगदान निभाया है तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोदी के मैजिक मैन के तौर पर आपको जाना जाता है, और ये अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। मैं बहुत मन से और बहुत दिल से ये बात कर रही हूँ, क्योंकि हम सब ने वो काल देखा है और हमने वो वक्त भी देखा है जब बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन फेल हो गए थे। बहुत आसान शब्दों में ये कैसे संभव हो पाया कि एक चिंदी ना बनाने वाला पीपीई किट की इतने पीपीई किट बना देता है, इंडिजिनस वैक्सीन तैयार कर देता है, कैसे? सब लोग मुझे यही क्वेश्चंस करते हैं कि कोविड मैनेजमेंट और कोविड के सामने सफलतापूर्वक लड़ा हिंदुस्तान कैसे लड़ा। जब कोविड का प्रारंभ हुआ उस वक्त दुनिया के कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मेरी बात होती थी तो दुनिया कहती थी कि इंडिया में क्या होगा, इंडिया में कितने केस आएंगे, इंडिया में कितनी कैजुअलिटी होगी, उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। ऐसा दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिबेट होती थी, और उस वक्त मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता था कि हम कोविड मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन दुनिया को विश्वास नहीं था। मुझे विश्वास इसलिए था कि देश में ब्रेन पावर और मैन पावर और क्षमता की कभी नहीं कमी थी, नहीं कमी है और नहीं कमी रहेगी। ये देश में मोदी जी ने लास्ट 15 अगस्त यानी कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने लाल किले से रेड फोर्ट से कहा था कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें 5 प्रण लेना होगा। उसमें एक प्रण कहा था हमें विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है। विरासत से प्रेरणा लेना यानी कि हमारी क्षमता को पहचानना। मोदी जी ने बहुत कुछ नहीं किया, सफलता का वही सीक्रेट है। मोदी जी ने ये भली भांति समझ लिया कि ये देश की विरासत क्या है। दुनिया के लिए हेल्थ एक कॉमर्स हो सकता है, मेडिसिन एक कॉमर्स हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ एक कॉमर्स नहीं है। इंडिया के लिए हेल्थ एक सेवा है, ये हमारा संस्कार है। इस संस्कार को मोदी जी ने सबसे पहले पहचाना, और जब दुनिया के साथ कोविड चल रहा था, दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था, मेरी मीटिंग दुनिया के साथ होती थी, दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग होती थी, तो कहते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, सभी लोगों ने छुट्टी रख दी है, हमें बहुत परेशानी है। लॉकडाउन के खिलाफ डेवलप्ड कंट्री में भी एजिटेशन हो रहा था, ऐसी स्थिति में इंडिया में क्या है। तब मैं कहता था कि हमारे मोदी जी ने हमारे देश के डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, पैरामेडिक स्टाफ्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, सभी देश के 140 करोड़ की जनता रोड पे आके उसको प्रोत्साहित किया, थाली बजाई, उसके लिए ताली बजाई, उसके लिए मेरे देश के एयरफोर्स के प्लेन ने ट्राई कलर हवा में फहराया और उसको सम्मानित किया। मेरे यहां कई डॉक्टर्स, कई नर्स ने अपने स्वयं को खपा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी। ये हिंदुस्तान का संस्कार है, ये हमारी विरासत है, ये हमारी विरासत से प्रेरणा लेके हमने कोविड मैनेजमेंट किया, तुम सक्सेस हो गए। और आज जब कोविड खत्म हुआ, दुनिया पूछ रही है, मैं लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जनवरी में दाओस गया था, इंडिया को डेलीगेशन को लीड करते हुए,
तो बिल गेट्स मुझे मिला। बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी माना जाता है, कई कंट्री इकट्ठी हो इतना स्वयं का वर्थ है। बिल्कुल। और हेल्थ सेक्टर में उसका बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने हमारी मीटिंग तय हुई थी, तुम भारतीय है, कोई मिलने के लिए आते हैं तो खड़ा होते हैं, गेट तक लेने के लिए जाते हैं। मैं उसको गेट तक लेने के लिए गया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मेरी मीटिंग हुई। जब वो मुझे मिला, उन्होंने मेरे से शेक हैंड किया और उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। तो दुनिया ने माना कि हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली कोविड मैनेजमेंट किया। पर लाख पॉपुलेशन पर सबसे कम कैजुअलिटी इंडिया में हुई। कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें एक दिन में 11 डेज ऐसे थे जब को वैक्सीनेशन ड्राइव चलती थी, तब 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ हो, वो छोटी बात नहीं है। 1.5 लाख से अधिक सेशन डेली लगते थे, 1.5 लाख से अधिक सेशन डेली लगना। आपने कभी कहां भी ऐसी शिकायत नहीं सुनी होगी कि हम कोविड सेंटर पर गए लेकिन वैक्सीन नहीं थी, वैक्सीन थी लेकिन वैक्सीनेटर नहीं था, वैक्सीनेटर था लेकिन सिरिंज नहीं थी, सिरिंज थी लेकिन निडल नहीं थी। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। यही इंडिया की स्ट्रेंथ है, सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करके, इंडिजिनियस वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करके वैक्सीन को लगाना। आज दुनिया को आश्चर्य होता है कि 220 करोड़ डोज हिंदुस्तान ने एडमिनिस्टर कर दिया, कैसे किया। लेकिन मैं गौरव के साथ कहता हूं कि इंडिया ने करके दिखाया है। यही हमारी सफलता है, यही हमारी क्षमता का सबसे बेस्ट आधार है। मंत्री जी, आप जब कभी घर पे होते हैं, पब्लिक नहीं होती है, अकेले अकेले जब छत पर पंखा देख रहे होते हैं, तभी एहसास होता है कि अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसा मतलब कैसे हो गया, ऐसा कभी ऐसे विचार आता है आपको, या नहीं मन में विश्वास था कि हम तो करें? मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं पहले से, मैं हेल्थ मिनिस्टर नहीं था लेकिन फार्मा देख रहा था। और मोदी जी ने देश में पहला केस रिपोर्ट नहीं हुआ था उसके पहले 5 मंत्रियों का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था और हम रेगुलर बैठते थे। ये किस साल की बात बता रहे हैं? उस वक्त हम रेगुलर बैठते थे, मीटिंग हमारी होती थी और मोदी जी हमें रेगुलर गाइड करते थे कि ये है, उसमें ये सोचना चाहिए। देखो, एक लीडर की का विजन से कितना बड़ा बदलाव होता है। एक बार मोदी जी देश के साइंटिस्ट के साथ बैठे थे और कोविड देश में भी केस आने लगा था, तो मोदी जी क्वेश्चंस आंसर कर रहे थे, सभी साइंटिस्ट लोग रिप्लाई कर रहे थे कि भाई एक कोविड है, उसके सामने कैसे लड़ेंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये अननोन वायरस है, आगे होके क्या बिहेवियर करेगा दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है। लेकिन वो वायरस डिसीज होने से वैक्सीन उसके पर कारगत हो सकता है और वैक्सीन ही उसका सॉल्यूशन है। तब मोदी जी ने कहा था कि क्या हम वैक्सीन हमारे देश में बना सकते हैं। अच्छा, मतलब ये उनका पहला रिएक्शन था। यस, ये देश में हम वैक्सीन बना सकते हैं। इतिहास तो ऐसा था, चाहे वो कोई भी टाइप की वैक्सीन हो, वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद इंडिया में आते आते स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हो, रूबेला की वैक्सीन हो, पोलियो की वैक्सीन हो, दुनिया में रिसर्च होने के बाद मिनिमम 8 साल और मैक्सिमम 15-20 साल के बाद वो वैक्सीन इंडिया में आती थी। हम रिसर्च ना करें और दुनिया के ऊपर आधार रख के बैठे तो हमारी हालत क्या होगी। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम रिसर्च तो कर सकते हैं, और बाद में रुका कि हमारा रूल्स रेगुलेशन और रेगुलेटरी सिस्टम ऐसी है कि हम आज रिसर्च कर दे तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने में ही हमें 2-2.5 साल 3 साल लग जाती है। मोदी जी ने केवल इतना ही कहा था कि आप काम पे लगो, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी, निष्फलता मेरी
सफलता मेरे साइंटिस्ट लोगों की। और मैंने जो आपको मेरी बात की शुरुआत में कहा, ये देश में क्षमता का कोई अभाव नहीं है, हमारे देश के यही साइंटिस्ट लोग काम पे लगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया में 20 दिसंबर 2020 वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा था, और इंडिया में रिसर्च किया हुआ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसके बाद एक महीने में यानी कि 17 जनवरी 2021 में हिंदुस्तान ने इंडिजिनियस रिसर्च, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा दिया था। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की ताकत है, और इसीलिए तो आपको मैजिक मैन मोदी का कहा जाता है। लेकिन ये तो उस वक्त की बात है जब सबको लगा था कि नहीं हो पाएगा। अब आपने तो सर गाड़ी चला दी फोर्थ गियर में, उसमें आप गियर सब में। जो जर्नलिस्ट लोग मुझे मिलते थे तो मैं कहता था कि दिसंबर 2021 में हम सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहे सभी लोगों को 100% वैक्सीनेटेड कर देंगे। तो बाद में टेलीविजन पर डिस्कशन चलता था, फिगर निकालते थे कि एक दिन में इतना लग रहा है तो ये 3 साल लगेगा वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी है उसको ऐसा बढ़ाएंगे तो मिनिमम 2.5 साल लगेगा, और ये मंत्री जी बोलता है कि हम 1 साल में दिसंबर 2021 में वैक्सीनेटेड कर देंगे सारी कंट्री को, ऐसा मेरे सामने क्वेश्चंस भी होता था। मैंने खुद डिस्कशन किया है, हाँ, कैसे हो पाएगा, आप लोगों ने भी किया था, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था जिस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, टीम वर्क के साथ, पब्लिक पार्टनरशिप के साथ हम काम कर रहे थे। हमारा लक्ष्य था, मोदी जी हमें समय समय पर गाइड करते थे कि मुझे देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगानी है, 1 रुपया का खर्च भी नहीं होना चाहिए, और वैक्सीन लगनी चाहिए, और वैक्सीन के लिए कोई व्यक्ति को लाइन में खड़े रहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो मुझे सेशन भी बढ़ाना था, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाना था, और सप्लाई चेन को भी मेंटेन करना था। हमने करके दिखाया और देश वैक्सीनेटेड हो गया, दुनिया देखती रह गई। और मैं दर्शकों को बस ये बात बता देना चाहती हूँ कि अभी जो मंत्री जी कह रहे थे कि हम कॉमर्स, बाकी दुनिया हेल्थ सेक्टर को कॉमर्स मानती है, हम नहीं मानते हैं, आपको ये जानकर फख्र महसूस होगा कि सर हमने वैक्सीन का पेटेंट नहीं करवाया है, कॉपीराइट नहीं है, ताकि उस चीज का इस्तेमाल, उस फॉर्मूले का, उस सॉल्ट का इस्तेमाल देश, दुनिया का कोई भी देश कर पाए, ये सिर्फ हिंदुस्तान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, उसके लिए भी बधाई। लेकिन मंत्री जी, आप लोगों ने गाड़ी चला दी फोर्थ गियर में, पहला दूसरा तीसरा नहीं, आपने सीधा फोर्थ गियर में, स्पीड पकड़ने में भले ही टाइम लगे लेकिन आप लोग रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अब आप फर्स्ट गियर में नहीं आ सकते, कोई चांस नहीं है, दूसरे तीसरे को भी आप भूल जाइए। तो यहां बैठे तमाम लोग अब ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन लगी, कोविड से निकल गए, अब हमें जिंदगी में कोई भी परेशानी हो जिस्मानी तौर पर, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने क्या तैयारियां की हुई है, क्या हम आज उस लेवल पर, उस जगह खड़े हैं कि कुछ दिक्कत आ जाए तो बेझिझक इलाज करवा दे और कोई परेशानी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, हर घटना से प्रेरणा लेके हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हमने इतना कर दिया, हम सैचुरेट नहीं हो गए हैं, हमने कोविड क्राइसिस ने बहुत कुछ सिखाया, हमारी गलतियों को भी हमारे सामने आई, हमें और क्या करने की आवश्यकता है वो भी हमें पता चला, और कोविड क्राइसिस से सीख के हमें भविष्य में ऐसा कोई पेंडेमिक आए तो ऐसे पेंडेमिक का सामना हम कर सके उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मोदी जी ने 64,000 करोड़ यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 100 करोड़ रुपया का खर्च करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया। ये आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में क्या करेंगे,
पहले तो हम सर्वेलेंस सिस्टम को रॉबस्ट और स्ट्रांग करना चाहते हैं। एक गांव में कोई नया डिसीज आया, वो पेशेंट ब्लॉक लेवल पर गया, वहां सरकार की एक लेबोरेटरी हो और वहां उसको 35-36 टाइप की डायग्नोसिस वहां ही हो जाए, टेस्टिंग वहां ही हो जाए। ये लैब जुड़ी हुई हो डिस्ट्रिक्ट लैब से और डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर से। डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर पर 150 टाइप के केसेस का सर्वेलेंस हो जाए, टेस्टिंग हो जाए, एक रिपोजिटरी बन गई। उसके पार एक स्टेट लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल पर ICMR के लैब की एक श्रृंखला तैयार करके कोई भी डिसीज का सर्वेलेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसको मॉनिटर करना चाहिए, ये हमने व्यवस्था बनाई। ये हो चुका है, होना है, पाइपलाइन चालू है। कितना वक्त लगेगा मंत्री जी इसको? हमने 4 साल रखा है, 1 साल चला गया, दूसरा साल चल रहा है और 2026 तक हम पूरा कर लेंगे। तो ये एक व्यवस्था सर्वेलेंस की हो गई, जीनोम सिक्वेंसिंग कंटिन्यूस होता रहे। आज भी आप लोगों को ऐसा है कि कोविड चला गया है और आप तो शांति से हैं कि कोविड नहीं है, लेकिन हमारी सिस्टम ऑन है। हर वीक में मेरे यहाँ रिव्यू होता है, हर दिन सुबह में मेरे यहाँ रिपोर्ट आता है। जीनोम सिक्वेंसिंग बाहर से विदेश से आते हैं, उसका भी सैंपल लिया जाता है और उसका रैंडम सैंपल लेके जीनोम सिक्वेंसिंग किया जाता है। देश में भी कंटिन्यूस सैंपल लेके कोई कोविड का पॉजिटिव केस पाया जाए तो उसका जीनोम सिक्वेंसिंग किया जाता है। आज तक देश में 226 से अधिक कोविड के नए वेरिएंट, अलग 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 वेरिएंट पाए गए हैं। हम उसको मॉनिटर करते हैं, वेरिएंट को आइसोलेट करके उसके पर वैक्सीन की क्या इफेक्ट है उसकी स्टडी करते हैं। और ज्यादातर वैसे कहो तो 226 में से सभी वैक्सीन पर हमारी कोवैक्सीन भारी है, सभी पर इफेक्ट करने वाली वैक्सीन आज कोई है तो ये वैक्सीन है हमारी कोवैक्सीन। तो ये सर्वेलेंस सिस्टम को हम रोबस्ट करते हैं। दूसरा, हमने तय किया है कि डिस्ट्रिक्ट में एक 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी हो, वेंटिलेटर की फैसिलिटी हो, ऑल टाइप ऑफ क्रिटिकल पेशेंट को केयर करने के लिए सारी सुविधा हो। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा क्रिटिकल केयर यूनिट बनाना है, उसका बनने का काम चालू है। और कई उसका जगह टाइम लिमिट क्या है सर जी? उसका क्या टाइम लिमिट है? हाँ, वो भी काम चल रहा है, सब भी काम 2026 के पहले पूरा करना है। तो आज मैं हर दिन कोई न कोई क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास करता हो, कोई न कोई लैब का शिलान्यास करता हो, काम एकदम गति से चल रहा है। मोदी गवर्नमेंट की यही विशेषता है, टाइमलाइन को मेंटेन करना, टाइमलाइन को फॉलो करना। और शिलान्यास हमने किया है तो लोकार्पण भी हम ही करते हैं, ये हमारा, हमारी सरकार का वर्क कल्चर है। दूसरा, हमने G20 में हमारी 3 प्रायोरिटी रखी। एक मेडिकल काउंटर मेजर, यानी कि देश के सभी, नॉट ओनली फॉर कंट्री बट एंटायर वर्ल्ड, दुनिया के सभी देश को वैक्सीन, मेडिसिन और हेल्थ केयर सभी को मिलनी चाहिए और उसमें कंट्री कंट्री का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब वो वन वर्ल्ड वन हेल्थ सभी को मिलनी चाहिए। ये प्रायोरिटी को सभी कंट्री ने एक्सेप्ट किया। हमने कहा कि डिजिटल हेल्थ के ऊपर जोर देना चाहिए और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम देश के नागरिक की, दुनिया के नागरिक की हेल्थ को कैसे सिक्योर करें। WHO ने भी माना, G20 देश ने भी उसका स्वीकार किया और WHO में डिजिटल हेल्थ के लिए एक सेपरेट विभाग चालू किया गया, इंडिया के कहने से, इंडिया की प्रेरणा से। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर ये वही WHO है ना जिसने कोवैक्सीन को मानने से इनकार कर लिया था। ये होता रहता है, हम हमारा प्रयास जारी रखते हैं, हमने हमारा काम पर भरोसा है, विवाद में कोई रुचि नहीं है और इसलिए हमने हमारी वैक्सीन पर भरोसा है। देश को बचा लिया ना, दुनिया को बचा लिया ने, 100 कंट्री में इंडिया ने वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन पहुंचाई, दुनिया को सिक्योर किया। मैंने आपको ये भी कहा कि हेल्थ हमारे लिए सेवा है,
हेल्थ हमारे लिए कॉमर्स नहीं है। जब दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी और उस वक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन जैसी मेडिसिन की दुनिया में बहुत क्राइसिस हो गई थी, और उस वक्त हर दिन कंट्री हेड प्रधानमंत्री जी को कॉल करते थे, हेल्थ मिनिस्टर मुझे कॉल करते थे, हमें मेडिसिन चाहिए। देश में लॉकडाउन था, दुनिया में लॉकडाउन था। उस वक्त देश में डेली 5 से 6 प्लेन लैंड होते थे केवल मेडिसिन लेने के लिए, और उस वक्त 150 से अधिक कंट्री को हमने मेडिसिन उपलब्ध कराई। 64 कंट्री हेड ने किसी ने कॉल किया, किसी ने ट्वीट किया और कांग्रेचुलेट इंडिया, कांग्रेचुलेट मोदी जी कहा। हमारे ब्राजील के प्रेसिडेंट ने तो उस वक्त बोल दिया कि इंडिया में हनुमान जी संजीवनी लेके लक्ष्मण जी को बचाने के लिए रामेश्वर गए थे, वैसे मैंने प्लेन भेजा है, वो प्लेन में मेरे देश के नागरिक को बचाने के लिए संजीवनी के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेके मेरा प्लान आया है, ऐसा करके मोदी जी को उन्होंने धन्यवाद किया सर। लेकिन अब मैं आज की तारीख में आऊं और ये जो संजीवनी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये महंगी बड़ी हो गई है, ये ही सवाल अभी है। संजीवनी को मतलब एक दिन में आदमी अगर खरीदने जाए, वो ये मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, इनका बस चले तो ये दवाई के 4 टुकड़े करके खाएं। पुराने लोग हैं, इनको लगता है बड़ी महंगी है दवाइयां। उसमें ऐसा था, उस वक्त जब क्राइसिस थी तो देश की कंपनी, जो हम हेल्थ को कॉमर्स मानते हैं ना, तो प्राइस बढ़ा देते, लेकिन उस वक्त हमारी कंपनियों ने देश और दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन भेजा, लेकिन उसकी प्राइस नहीं बढ़ाई। उस वक्त उन्होंने हमारा बेसिक संस्कार है, संस्कार के आधार पर, विरासत के आधार पर काम किया कि भाई एक दुनिया क्राइसिस में है, हमें प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए। उसका फायदा पोस्ट कोविड आज हमें हो रहा है। दुनिया इंडिया से रिश्ता रखना चाहती है, क्योंकि इंडिया जब दिक्कत की स्थिति होती है तब पलायन नहीं करता, हमारे साथ खड़ा रहता है। दूसरा, जो आपने कहा देश के नागरिकों को सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए, हाँ सर, और दवाई के बिना किसी के यहां मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने मुझे डायरेक्शन दिया था एज ए फार्मा मिनिस्टर, और ये डायरेक्शन से जन औषधि परियोजना निकली। आपने देखा होगा कि देश में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, एकदम क्वालिटी जेनरिक सस्ती दवा उपलब्ध हो रही है। कैंसर की मेडिसिन लेने के लिए मार्केट में आप जाओ, 10 टैबलेट की एक ट्रिप का 1,000 रुपया होगा, आप जन औषधि केंद्र पर जाएंगे तो ये ही क्वालिटी वाली जेनरिक कैंसर की मेडिसिन 200 रुपये में मिलेगी। अब सर इसमें मैं इसलिए आपको टोक रही हूं क्योंकि फार्मा का भी आपको अनुभव रहा है, आप हेल्थ मिनिस्टर है, आम जो आदमी, मैं हेल्थ मिनिस्टर भी हूं और फार्मा मिनिस्टर भी हूं, मतलब उसका आपको अनुभव रहा है इसलिए। अब सर यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इनको अगर एक डॉक्टर साहब या अंशुमन डॉक्टर अंशुमन बैठे हुए, डॉक्टर साहब कोई दवाई लिखकर दे दें, और मान लीजिए वो किसी कंपनी की दवाई लिखकर दे दें, तो कोई माई का लाल इनको रोक नहीं सकता, ये पूरे देश का भ्रमण कर देंगे, लाएंगे उसी कंपनी की दवा, इसको कैसे रोका जाए सर? देखो वो सॉल्ट तो एक ही होता है, व्हाट इज जेनरिक मेडिसिन एंड व्हाट इज ब्रांडेड मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन इट्स ए सॉल्ट नेम, जेनरिक मेडिसिन मीन्स आउट ऑफ पेटेंट, पेटेंट से आउट हो जाती है, लेकिन ब्रांड से बेचते हैं उसको भी जेनरिक बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल पारासीटामोल, तो पारासीटामोल का 2 वर्जन होता है, एक पारासीटामोल उसका सॉल्ट नेम है और दूसरा पारासीटामोल कालपोल से मिलती है, तो वो उसका जेनरिक ब्रांड नेम हो गया। डोलो के नाम से मिलती है तो उसका जेनरिक ब्रांड नेम हो गया। तो आप जेनरिक ब्रांड नेम से बेचो या सॉल्ट नेम से बेचो, मेडिसिन एक ही है, और जेनरिक मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन नहीं होती ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, वो भी क्वालिटी होती है, ब्रांडेड भी क्वालिटी होती है, इसलिए जेनरिक मेडिसिन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसलिए जनऔषधि केंद्र के द्वारा हम जेनरिक मेडिसिन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
मुझे याद है 2014 के पहले मार्केट में जेनरिक मेडिसिन का शेयर ओनली फॉर 2% था, और आज वो बढ़ के 14% हो गया है। उसमें विशेष कहानी ये है कि दुनिया हमारी इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन का यूज करते हैं, दुनिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर और सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन इंडिया है। आज अमेरिका में 4 पिल लोग खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक टेबलेट है। दुनिया 5 टेबलेट खाती है तो उसमें से एक इंडिया में बनी हुई टेबलेट है। तो दुनिया इंडिया में बनी हुई जेनरिक टेबलेट खाते हैं और उसका पैसा बचाते हैं, और हम ब्रांडेड का उपयोग करने के लिए आग्रही होते हैं। तो जरूर नहीं है कि हम ब्रांडेड मेडिसिन ही का उपयोग करें, ब्रांडेड का भी उपयोग कर सकते हो, जेनरिक का भी उपयोग कर सकते हो। तो सर इस मंत्रालय की तरफ से इसमें कोई पहल है कि हमें ही इसमें, क्योंकि सर ये तो वो वाली बात है ना कि हेल्थ है तो उसमें आदमी सोचता है कि नहीं सारा पैसा दवाई में ही लगा दो, और इसीलिए वो जो कैपिंग होती है, क्या उस कैपिंग की आज की तारीख में जरूरत नहीं है? उसमें देश में सभी लोगों को एसेंशियल मेडिसिन मिनिमम सस्ती मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने 1000 से अधिक मेडिसिन की सीलिंग प्राइस फिक्स की है, उसको एसेंशियल मेडिसिन में डाली है। तो एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस कोई बढ़ा नहीं सकता है। WPI जैसा बढ़ता है, डाउन होता है, प्लस होता है, वैसा डाउन प्लस होता है। उसकी प्राइस कंपनियों को अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाने की अनुमति नहीं है। बाकी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन में भी 10% से प्रतिवर्ष मेडिसिन की प्राइस कोई बढ़ा नहीं सकते है। ऐसी व्यवस्था रखने से फायदा यह है कि दुनिया में सबसे सस्ती मेडिसिन उपलब्ध होती है तो ये इंडिया में होती है और इंडियन नागरिकों को मिलती है। सर आप कह रहे 10% नहीं इंक्रीमेंट होगा, लेकिन कोई ऐसा चांस है कि सस्ती भी हो जाए? सस्ती भी हो जाती है। उसमें क्या है, जो एसेंशियल मेडिसिन है कई बार WPI माइनस जाता है, हाँ, तो प्राइस डाउन होती है। कई बार WPI थोड़ा प्लस 2% 3% बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है तो इतने ही परसेंटेज में वो बढ़ते हैं, उससे ज्यादा हम बढ़ाने नहीं देते हैं। दूसरा, आप जन औषधि केंद्र पर जाओ सस्ती मेडिसिन मिलेगी, आप सरकारी अस्पताल में जाओ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाओ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जाओ, फ्री मेडिसिन मिलती है। भारत सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सस्ती मेडिसिन, मुफ्त मेडिसिन देते हैं, तो उसका भी लाभ देश के नागरिकों को मिल रहा है। मोदी गवर्नमेंट का अभिगम यह है कि हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होनी चाहिए। मंत्री जी आज की तारीख में जब आप ये सारी बातें कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत शानदार 2047 में पहुंच गए, डेवलप्ड नेशन है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन ईमानदार तरीके से अगर मैं आज आपसे एक रिपोर्ट कार्ड मांगू कि मंत्री जी हम हेल्थ सेक्टर में और एक आम आदमी तक जो स्वास्थ्य की सुविधा है वो पहुंचने में ईमानदारी से हम कहां खड़े हैं और हमें कितने डग और भरने हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेल्थ सेक्टर ने मोदी जी ने टोकन में नहीं लिया, पॉलिटिकल वे से नहीं लिया। पॉलिटिकल वे से लिया होता तो कोई जगह पे डिमांड आई एक अस्पताल खोल दो तो अस्पताल खोल देते, एक कोई सांसद कहता कि मेरे यहां छोटी सी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दो तो बना देते। मोदी जी ने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर को देखा और पहले तो कहा कि हेल्थ को एक्सेसिबल बनाना है तो क्या करें, तो पहले देश में 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया, आज अच्छी तरह से चल रहा है। आज वहां हर सप्ताह में एक बार आयुष्मान मेला लगता है, वहां सभी को प्राइमरी इलाज होता है, मुफ्त मेडिसिन मिलती है। लेकिन जब आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना रहे हो तो वहां डॉक्टर चाहिए। तो आपने देखा होगा हमारी MBBS की सीट 9 साल में डबल हो गई, 54,000 थी, आज 1,07,000 है MBBS की सीट। PG की सीट पहले केवल 34,000 थी, आज 70,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज डबल हो चुकी है ताकि वहां डॉक्टर मिले। चलो वहां डॉक्टर आ गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर व्यवस्था हो गई, बाद में उसको टर्शरी केयर के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर आना पड़े, तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर
उसको टर्शरी केयर मिले, मेडिकल कॉलेज है, देश में 22 एम्स बनी हुई है, एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है। आयुष्मान भारत जैसी योजना का इम्प्लीमेंटेशन करके 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी ने दी है। और अभी तो आप व्यस्त हैं, आयुष्मान भव भी चल रहा है 3 अक्टूबर तक। आयुष्मान भव के तहत आज आयुष्मान कार्ड क्रिएट हो रहा है, हेल्थ मेला लग रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरू किया हुआ आयुष्मान भव कैंपेन आज देश में लोगों की हेल्थ को सिक्योर करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि सरकार आपके साथ है, तो सर इसमें उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। सर ऐसा तो नहीं है कि गांव में ट्रैक्टर भिजवाए जा रहे हैं, बसें भिजवाई जा रही है कि भाई आ जाओ आयुष्मान भव, क्योंकि मोदी जी का बर्थडे है और हमको ये किसी तरह सक्सेसफुल निभाना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से अगल बगल के गांव में हमारी आशा बहन जाती है, वहां के लोगों को जिसको प्राइमरी केयर की आवश्यकता हो या कोई बीमारी लगती हो तो उसको आग्रह करके लाया जाता है, और वहां से प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को लगे कि उसको विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर हमारी मेडिकल कॉलेज वहां हेल्थ कैंप लगा रही है। ये मेडिकल कॉलेज में उसको टर्शरी केयर की ट्रीटमेंट मिल जाती है और कोई ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो अपनी मेडिकल कॉलेज में दाखिल करके उसको ऑपरेशन करा जा रहा है। बहुत अच्छी सफलता देश में मिल रही है इस अभियान को। आयुष्मान भव और आयुष्मान जो कार्ड है, ये दोनों, क्योंकि जब आप थोड़ा रूरल एरिया में जाते हैं तो उनको सिर्फ ये पता है आयुष्मान कुछ है, हालांकि उनको ये भी पता है कि भाई बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो आप लोगों को दुआएं देती है, मोदी जी का नाम लेकर बलाएं लेती हैं कि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास तो 5,000 रुपए नहीं होते थे, अब 5 लाख रुपए हैं। तो आप एक तो आयुष्मान कार्ड हो गया, एक ये आयुष्मान भव, लोग किस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर पा रहे हैं? उनको लगता है आयुष्मान मतलब मेरे पास है, अब करने की क्या जरूरत है? आयुष्मान भव ये अभियान है 15 दिन के लिए चलने वाला, उसमें मेरा 3 लक्ष्य था। एक, लोग आयुष्मान कार्ड बनाए, और उसके लिए हमने एक डिजिटल ऐप बनाई है, वहां जाके लाभार्थी स्वयं अपना कार्ड को डाउनलोड कर सके तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। डेली 4-5 लाख कार्ड क्रिएट हो रहा है स्वयं, या तो आप भी, आपके पड़ोस में कोई है, आपका ड्राइवर है, आप उसको पूछो कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता, मेरे पास, मैं लाभार्थी हूं नहीं हूं, मुझे पता नहीं। तो आप तुरंत ही आयुष्मान नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी की आयुष्मान भारत ऐप पर जाके उसका नाम और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एंटर करो तो तुरंत ये लाभार्थी है कि नहीं है वो पता चल जाएगा, और जो लाभार्थी है तो आप उसका KYC करके, कार्ड क्रिएट करके, डाउनलोड करके उसको दे सकते हो। ये अभियान और कैंपेन का उद्देश्य ये था कि लोगों के पास कार्ड आए, और जिसके पास कार्ड आ गया तो उसके पास 5 लाख की गारंटी सुनिश्चित हो गई, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। मैं आजादी के बाद ये पहली बार देख रहा हूं सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, या तो गरीब और अमीर के बीच में आर्थिक असमानता का भेद नाबूद करने वाली कोई स्कीम बनी हो तो ये आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत योजना है। एक हमारे यहां डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक अपोलो अस्पताल में एक अमीर परिवार के कोई पेशेंट इलाज कराता हो, यही अस्पताल में यही डॉक्टर साहब एक गरीब परिवार के व्यक्ति का भी इलाज यही अस्पताल में आज कर रहा है, ये आयुष्मान भारत योजना की सफलता है। अगर कल को खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए, या यहाँ पहली पंक्ति में बैठे डॉक्टर साहब को छोड़ देता हूँ, इनको हो जाए, वो पल आएगा जब हम कहेंगे कि हमें नहीं जाना प्राइवेट अस्पताल में, हम तो सरकारी में जाएंगे, वो पल आएगा कभी? सभी जगह पे आयुष्मान कार्ड सरकारी में भी चलेगा? नहीं, आयुष्मान नहीं सर, मैं कह रही हूँ आयुष्मान कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक मिडिल क्लास
एक अपर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास आदमी, वो अक्सर सरकारी अस्पताल जाने से कतराता है। ये सच है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, इनमें से पूछू कि भाई बताओ खांसी जुकाम हो जाता है या प्रेगनेंसी में आपको सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है, आप जाएंगे? तो इनमें से कितने लोग हैं जो जाएंगे सरकारी अस्पताल? मैं समझता हूँ आप ना पूछो तो भी मैं बता दू कि वो नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं बदल रही है, अनुभव करने जैसा है। सर बस कभी... मैं एक सेकंड बोल दूं ये कि मैं, मुझे मेरी माँ खींच कर सरकारी अस्पताल में गई थी, ले गई थी। मैंने अपना बच्चा जो है वो सरकारी अस्पताल में पैदा किया है। तो आपको सुविधा कैसी लगी? उस वक्त मैं तो डरी हुई थी सर, वो जो स्ट्रेचर जिस पर मुझे ले गए थे उसका एक व्हील टूटा हुआ था, मुझे लगा मैं तो गई। देखो सरकारी लेकिन व्यवस्था, सर ये 7 साल पहले की बात थी। सरकारी व्यवस्था भी सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है सामान्य बीमारी में कोई मिडिल क्लास है तो भी एक MBBS डॉक्टर के पास गए, ज्यादा खर्च वो एफोर्ड कर पाएंगे, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब टर्शरी केयर की आवश्यकता होती है, जब ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, आज आप एम्स में जाओ, अच्छा ऑपरेशन अच्छी फैसिलिटी के साथ हो जाता है। आप कोई भी सरकारी अस्पताल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल में चले जाओ, व्यवस्था बन रही है। लेकिन जो आपने कहा था कि अभी क्या करने की आवश्यकता, आप कहां पहुंचे हैं और अभी आगे क्या करने की आवश्यकता है? मैं मानता हूं कि हेल्थ सेक्टर में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। और हेल्थ को अफोर्डेबल बनानी है, सब लोग के तक उसकी रीच पहुंचे तब तक हमें आगे बढ़ना है। भविष्य में मिडिल क्लास को भी हम कैसे एड्रेस करें, ये दिशा में भी हम सोच रहे हैं ताकि हेल्थ एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बने। हम मानते हैं कि कोई राज्य को, कोई देश को समृद्ध होना है तो उसके देश के नागरिक स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ सिटीजन स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। तो कोई भी राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र बनना है, यानी कि मोदी जी ने कहा है कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हम विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने हो, उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि देश के नागरिक स्वस्थ हो। और देश के नागरिक की स्वास्थ्य सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए हमारा जो प्रयास है, ये प्रयास को हम और गति से आगे बढ़ाएंगे ताकि हम देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने में सहयोगी हो सके। सर एक तो मुबारकबाद मैं इस बात की देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ईमानदारी से ये माना कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत बहुत कुछ होने की जरूरत है। मैं एक महिला हूं और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सैनिटरी पैड की बात की थी, मेरे खुद के कान खड़े हो गए थे सर। मतलब मैं खुद इस बात को हजम नहीं कर पाई थी कि देश के प्रधानमंत्री ने महिला के सैनिटरी पैड की बात कर ली। और आज हम देख रहे हैं कि वो बात बढ़ते बढ़ते 33% आरक्षण तक पहुंच चुकी है। महिलाओं के हेल्थ को लेकर भी आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। किस दिशा में ये जाता हुआ आपको दिख रहा है और क्या ये मान लिया जाए कि आपने मान लिया है कि महिला स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ, परिवार स्वस्थ तो देश स्वस्थ, इसके बगैर ना हो पाएगा? स्वाभाविक है, एक महिला 3 भूमिका में होती है, वो माँ भी होती है, वो बेटी भी होती है और बहू भी होती है। 3 वर्ग पर सीधी इफेक्ट करने वाली कोई सामाजिक व्यवस्था हो तो ये महिला है। महिला सशक्तिकरण के आधार पर हम राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, ये हम, हमारी पार्टी मोदी जी पहले से मानते हैं। और जब मोदी जी ने रेड फोर्ट से कहा कि हम 1 रुपीज में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएंगे, वो छोटी बात नहीं थी, क्योंकि शहरी तबके के लोग के महिला तक तो सैनिटरी पैड की रीच थी, पहुंच थी, लेकिन ब्लॉक और विलेज लेवल पर नहीं थी। आज हमने 40 करोड़ सैनिटरी पैड जन औषधि केंद्र के द्वारा 1 रुपीज 1 क्वालिटी सैनिटरी पैड बांटा है। और उस वक्त जब मैं काम करता था, आज से मैं MOS फार्मा था, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, 5-6 साल 7 साल पहले,
तो उस वक्त मैं ये विषय पर काम करता था, कई बार कमेंट भी होती थी, लेकिन यूनिसेफ ने आके मुझे सम्मानित किया कि आप सैनिटरी पैड का विषय लेके पुरुष के रूप में काम कर रहे हैं, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। आज मुझे खुशी हो रही है कि सैनिटरी पैड की रीच गांव की महिला तक पहुंची है, और ये महिला के हाइजीन के लिए बहुत आवश्यक है। सर्वाइकल कैंसर दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है, उसका उकेल क्या है, तो हाइजेनिक सिचुएशंस निर्माण करना हमारी जिम्मेवारी है, और हमने एक किया है। मोदी जी छोटी छोटी बात को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ते हैं। एक छोटा सा सैनिटरी पैड हमारी महिला की स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करता है, एक मां बचती है, एक मां अपने बेटे का ख्याल करके समाज निर्माण में अपनी भूमिका अदा करती है, बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी, आपने देश का तो पूरा मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बता दी है। मैं पार्टी की मेडिकल रिपोर्ट पूछूं आपसे, मतलब एक्सरे वेक्सरे पार्टी का आपने अगर किया हो तो 2024 में ऑपरेशन 300 पार सफल होगा? 300 पार सफल होगा, बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी? सवाल ही नहीं है, मैं सबको पूछना चाहता हूँ, बीजेपी सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी? देखो भाई, आएगी कि नहीं आएगी? 100% लोग कह रहे हैं कि आएगी तो आएगी ही, और उसकी स्वास्थ्य सेवा को आप ही आगे बढ़ाएंगे। और मोदी 3 गवर्नमेंट में भी हमारी यही रफ्तार से स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम जारी रहेगा। देश की जनता पर हमें पूरा विश्वास और श्रद्धा है। मोदी जी जिस तरह से देश की जनता की सेवा कर रहा है, जनता सेवा के साथ जुड़ी है, मोदी जी के साथ जुड़ी है और मोदी जी के समर्थन में। अब आखिरी दो सवाल, आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, आपने लोगों से पूछ भी लिया है, दूसरी तरफ बूस्टर डोज विपक्ष ने भी ले लिया है, उसने कहा हम तो सब साथ हैं, तोड़ के दिखाओ। मुझे कॉल करना और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये नोट कर लिया जाए और रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर, आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आपने अपनी बेटी के एडमिशन के लिए नियमों में तब्दीलियां कर दी, बदलाव कर दी, क्या ये सच है? पहली बात तो है कि मेरी बेटी ने नीट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके लिए कोई रिलैक्सेशन देना नहीं देना सवाल नहीं रहता है। दूसरा विषय है, पीजी में प्रतिवर्ष चालू वर्ष में 10,000 से 13,000 सीट खाली रहने की संभावना है। एक और देश के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूसरी ओर सीट खाली रहती है, तीसरी ओर हम मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं उसमें फैकल्टी की कमी है, देश में डॉक्टर्स की पीजी डॉक्टर्स की कमी है। वैसी स्थिति में हम प्रतिवर्ष 50% की परसेंटाइल को रिड्यूस करते हैं, 20% तक ले जाते हैं, लेकिन भी जगह खाली रह जाती है, उसमें मेरिट का वायलेशन नहीं है। पहले काउंसलिंग नहीं होता था और छोड़ दिया जाता था तो अपने अपने हिसाब से एडमिशन लेने की फर्ज बन जाती थी स्टूडेंट को, हमने उसका काउंसलिंग करने के लिए तय किया है, यानी कि पहले से जब तक सीट भरी ना जाए तब तक मेरिट के आधार पर भारत सरकार की ओर से काउंसलिंग होता रहेगा, ताकि ये सीट जो जिस मेरिट में क्रम में आ रहा है उसको कोई जगह पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके पैसा देके एडमिशन लेने की नौबत ना आए, वो मेरिट से ही उसको मिले। इतना ही हमने बदल किया है और कोई बदल नहीं किया है। 0 परसेंटाइल उसका मतलब ये नहीं है कि जिसको 0 मार्क्स आया है उसको भी एडमिशन मिल जाए। 0 परसेंटाइल का मतलब ये है कि ऊपर से जब तक सीट खाली हो तब तक काउंसलिंग होता रहे और स्टूडेंट को एडमिशन मिलता रहे। यहां हमारे नेशनल मेडिकल एसोसिएशन उपस्थित है,
कई फोड़ा जैसे एसोसिएशन, कई एसोसिएशन ने मिलकर हर बार वो अपनी रजूआत देते हैं कि आप क्यों सीट खाली रखते हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सीट खाली नहीं रखनी चाहिए। मैं स्वयं भी मानता हूं कि सीट खाली नहीं रखनी चाहिए, स्टूडेंट को एडमिशन मिलना चाहिए, तो उसको एडमिशन देने का काम किया है। बाकी पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स करते रहते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आपके लिए तो मशहूर है, आप कथनी में कम और करनी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि देश के स्वास्थ्य की नब्ज जो आपके हाथ में है, आप उसे हमेशा इतना ही स्वस्थ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।